राज्य मंत्री ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, और लेकिन इस बार के बजट में मात्र 101 वाटरवेज आपने लिए हैं और उसके लिए मात्र 600 करोड़ रुपए रखा है। ये राशि कुछ कम लगता है इतनी बड़ी योजना के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा, आपने लो ड्राफ्ट वेसल्स पर इसमें कहा, इस सदन में 27 तारीख को आपके ही हस्ताक्षर पर एक मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें आपने इनलैंड वाटरवेज के बारे में जानकारी दी और वहीं आपने बताया कि मात्र 600 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित है। मेरा आपसे एक सवाल है, 15 मार्च को भी पिछले वर्ष मैंने इसी सवाल पर, हमारे बिहार में बहुत है नेशनल वाटरवेज वन, भारत का सबसे पहला वाटरवेज है जो गंगा नदी पर है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने विषय उठाया। बिहार में ये 400 किलोमीटर के भीतर है और उसमें भी 400 किलोमीटर में लगभग 150 किलोमीटर मेरे क्षेत्र में है, सारण जो बिहार में मेरा संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ एक कालू घाट है, नाम तो अजीब सा है लेकिन ये नया गांव का हिस्सा है जहाँ आपके द्वारा प्रस्तावित था कि वहाँ एक इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल बनाएंगे और पिछले 3 साल की घोषणा के बाद भी अभी वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हो गया है। राज्य सरकार ने वहाँ काम जमीन उपलब्ध करा दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक ये कालू घाट का जो टर्मिनल है जो बिहार के लिए बड़ा आवश्यक है और इनलैंड वाटरवेज नंबर वन वाटरवेज का ये पार्ट है, उसमें कब ये आप कार्य प्रारंभ करा देंगे, और अभी तक ओवरऑल जानकारी के लिए कि पिछले 5 साल में इनलैंड वाटरवेज में आपने कितना ट्रांसपोर्ट किया है कार्गो का, इसकी अगर जानकारी दे दे तो आभार होगा। और मेरे संसदीय क्षेत्र के मामला को भी व्यक्तिगत तौर से सदन के माध्यम से आग्रह है कि वहां भी उसे चालू कराने की कार्रवाई अगर करना चाहें तो आभार व्यक्त करूंगा। माननीय रोड़ी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इनलैंड वाटरवेज नंबर एक पर बिहार में कालू घाट आता है, कालू घाट को हमें डेवलप करना है वहाँ टर्मिनल, इट्स वन थिंग। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है इनलैंड वाटरवेज वन वो वाराणसी से डायरेक्ट जोड़ता है हल्दिया, 1400 किलोमीटर कार्गो मूवमेंट हो सके ऐसी व्यवस्था आज के दिन में हमने खड़ी कर दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर भारत के मेरे किसान वहाँ शुगर पैदा करता है और ये शुगर को इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हमें पहुँचाना है नॉर्थ ईस्ट, तो हम उसको डायरेक्ट हल्दिया से हम सुंदरबाग से प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से बांग्लादेश वाया होके हम नॉर्थ ईस्ट हमारे किसान ने पैदा की हुई शुगर हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। हमारे किसान गेहूँ पैदा करते हैं और ये गेहूँ को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम किसान को वहाँ से लॉजिस्टिक व्यवस्था कर देंगे। और दूसरा साहब, फर्टिलाइजर किसान की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे बिहार के किसान भाई, हमारे यूपी के किसान भाई, हमारे झारखंड के किसान भाई, उसको फर्टिलाइजर चाहिए। माई सेल्फ लुकिंग टू फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री एल्सो, हमने अभी डिसाइड किया है कि किसान के लिए आवश्यक फर्टिलाइजर पहुंचाना है तो भी हम इनलाइन वाटरवेज के माध्यम से उत्तर भारत को बे ऑफ बंगाल और बंगाल से वाया प्रोटोकॉल रूट तो बांग्लादेश और बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट जोड़ देने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। और नॉर्थ ईस्ट में जो चाय पकाने वाले हमारे किसान की चाय इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हमारे उत्तर भारत के लोग पी सकेंगे, ये व्यवस्था हमने की है। दूसरा आप बोल रहे हैं ना ये नया भारत है, माननीय अध्यक्ष जी नया भारत हमने एक किया, उन्होंने कहा ना कि इनलैंड वाटरवेज था, पहले 7 मिलियन कार्गो हर साल मूव होता था इनलैंड वाटरवेज से। रूडी जी, इस साल हमने 72 मिलियन कार्गो इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से हैंडल किया है, ये नए भारत में हमने किया है।